ठीक है, मैं क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर पहले कंप्लीट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आपको जो है इसको इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहे हैं, द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ मूनलाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017, सही। और इसमें जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 16,000 है, विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इसका मतलब 160 कॉस्ट जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है उसका अगर हम क्या बोलते हैं 160% लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है हमारे पास क्या है, 100% वाली वैल्यू। 100% डायरेक्ट लेबर क्या है हमारे पास, 100% वाली जो कॉस्ट है वहाँ पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जी। ये कौन से भाई हैं हमारे जो क्लास के साथ इतना ज्यादा क्लास नहीं ले रहे शायद। ठीक है, तो अपने माइक स्पीकर्स को या माइक जो भी है उसको ऑफ रखें। अच्छा देखें, इस बात को क्लियर कर लें पहले, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जो टोटल प्रॉब्लम में सवाल में करेगा ना आपको यहाँ पर एक पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16,000 है, विच इज 160% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का क्या है, 160%। सही, इसका मतलब अगर मुझे फैक्ट्री ओवरहेड मालूम करना है, सही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100% वाली बात वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। और 100% कौन है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो 100% वाली बात जब भी मालूम करनी होती है, मैंने आपको पहले भी हमारे डिस्कशन में आ चुका है कि हम क्या करते हैं, जो वैल्यू गिवन होती है उसको जितनी परसेंटेज हमारे पास गिवन है उससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 100% वाली बात आ जाती है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 56,000 क्वेश्चन में गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 56,000 हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, ये वो इन्वेंट्री है जो कि फिनिश गुड में रेडी कंडीशन में मौजूद थी और हमने क्या कर दी, सेल आउट कर दी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब गुड सोल्ड, जो स्टॉक हमारा सेल आउट हो गया, जो फिनिश गुड्स हमारी सेल आउट हो गई, ठीक है, उसकी कॉस्ट है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, जो अवेलेबल फॉर सेल था, मेरी बात को गौर से सुने, जो अवेलेबल फॉर सेल था वो दो हिस्सों में ब्रेक होना था, या तो उसने सेल आउट हो जाना था या फिर बच जाना था। जो बच जाती है वो फिनिश गुड एंडिंग कहलाती है। सही, जो हमारे पास बच जाती है वो क्या कहलाती है, फिनिश गुड एंडिंग, और जो सेल आउट हो जाती है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाती है। सही, इसका मतलब मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल पर जाने के लिए मेरे पास एक रास्ता ये भी है कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और फिनिश गुड एंडिंग और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्लस कर लूँ तो मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल का फिगर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्योंकि ये वाला या अभी हम रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट जो है बना रहे होंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल मालूम करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सही, तो इस बात को समझना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेंट्रीज का डाटा हमें दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का बिगनिंग एंडिंग दिया हुआ है, गुड्स इन प्रोसेस का बिगनिंग एंडिंग दिया हुआ है, और फिनिश गुड का बिगनिंग एंडिंग हमें गिवन है। रिक्वायर्ड में कहते हैं कंप्यूट द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज करके रॉ मटेरियल कितना परचेज करा आपने, क्योंकि देखें आपने इस दफ़ा जो लेबर कितनी इनकर करी ये आपको बता दिया। ठीक है, एफओएच कितना इनकर हुआ ये आपको बता दिया, आपको ये नहीं बताया मटेरियल कितना यूज हुआ या मटेरियल कितना हमने परचेज करा, ये बात आपको नहीं बताई। तो वो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। देखें पहली बात, जो अभी मैंने रिक्वायर्ड भी हमारा कह रहा है परचेज निकालो, तो हमें स्टेटमेंट को रिवर्स लेके आना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम आखिर में कैलकुलेट करके दिखा रहे थे वो हम शुरू में दिखाएंगे यहाँ पर। सही, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास गिवन था 56,000। सही, मतलब ये वो उस कॉस्ट है जो कि हमने जो इन्वेंट्री हमने सेल आउट कर दी। फिनिश गुड का क्लोजिंग जो आखिर में बच गई, मैंने आपको अभी बताया ना, जो अवेलेबल फॉर सेल होता है वो दो हिस्सों में ब्रेक होता है। ठीक है, या तो उसने बिक जाना है या बच जाना है। अगर तो वो सेल आउट हो गया तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं, और अगर वो बच जाता है हमारे पास तो उसको फिनिश गुड कहते हैं। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूँ तो मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यस सर। क्लियर है ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर कोई आंसर नहीं करता तो मैसेज में कर दो। ठीक है, जी जी सर। अवेलेबल फॉर सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हमारे पास आता है वो कहाँ से आता है, हम कहते हैं भाई बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी फिनिश गुड का बिगनिंग, और इस दफा जो मैन्युफैक्चर करा
उसको क्या कर लो, प्लस कर लो, ऐसा ही है। देखो रिवर्स रिवर्स साइकिल आ रही है ना। अब अवेलेबल फॉर सेल पर पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, बिगिनिंग स्टॉक जो पहले से रेडी था, ठीक है, और जो इस दफा बनाया, सही, इन दोनों को प्लस कर लो तो अवेलेबल फॉर सेल आते हैं, सही। अब अवेलेबल फॉर सेल तो मेरे पास फिगर मौजूद है, उसमें से बिगिनिंग वाले पार्ट को निकाल दूं तो इसका मतलब जो मैंने इस दफा बनाया उसका फिगर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का। बात समझ आ रही है? अवेलेबल फॉर सेल है 74,000, फिनिश गुड का बिगिनिंग जो मेरे पास ऑलरेडी रेडी कंडीशन में था जब फरवरी स्टार्ट हुआ, तो 14,000 मैंने क्या करा, माइनस करवा दिया। मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गया 60,000 से, ठीक है। इसका मतलब 60,000 का स्टॉक मैंने इस दफा क्या करा है, बनाया है। ये बात क्लियर है? हम यहां तक पहुंच चुके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ चुकी है जी। ये क्लियर है आपको यहां तक? जी जी सर क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड पे तुम आते हो, अच्छा लेकिन दोबारा से देख लें इस चीज को। मैंने आपसे कहा 74 तक वाली बात क्लियर है, 74 तक हम आए थे। मैंने कहा था भाई जो अवेलेबल फॉर सेल है, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, उस पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या हैं, फिनिश गुड बिगनिंग और जो आपने इस दफा मैन्युफैक्चर करा उसको प्लस कर लो तो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। और अवेलेबल फॉर सेल ब्रेक हो जाता है किसमें, या तो एंडिंग फिनिश गुड में बच जाएगा या फिर वो सेल आउट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो सेल आउट हो गया वो वाला फिगर भी मौजूद था और फिनिश गुड का एंडिंग भी मौजूद था, तो हमने जो सेल आउट हो गया दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 18,000 उनको क्या करा, हमने प्लस कर लिया, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 74,000 से, ठीक है। फिर हमने कहा जो अवेलेबल फॉर सेल है वो आता है कहाँ से, बिगनिंग इन्वेंट्री से, फिनिश गुड बिगनिंग और कॉस्ट ऑफ, और आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड करी होती है इस दफा वहां से, सही, जो इस दफा आपने बनाया, जो पहले से रेडी था, जो इस दफा बनाया, सही, वहां से आता है। तो मैंने कहा भाई अवेलेबल फॉर सेल तो मौजूद है, जो बिगनिंग वाला पार्ट है उसको निकाल दो, यानी फिनिश गुड का बिगनिंग है उसको माइनस करवा दो, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। इसका मतलब ये वो गुड्स हैं 60,000 की जो आपने इस दफा बनाई, ठीक है, क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये वो है जो कि आपने इस दफा गुड्स रेडी करी, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपके पास आता है वो कहाँ से आता है, टोटल पुट इन प्रोसेस जो वैल्यू होती है, जो आपका वर्क इन प्रोसेस का टोटल होता है वो कहाँ से आता है। वर्क इन प्रोसेस का टोटल के टोटल तक पहुँचने के भी दो रास्ते हैं। आप बोलते हो जो गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने इस दफा लगाई, जो मटेरियल, जो लेबर, जो FOH, जो आपने इस दफा इनकर करा, जो इस दफा कॉस्ट लगाई आपने, सही, उसमें क्या करो, प्लस कर लो किसको, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को, जो आपके पास पहले से मौजूद था वर्क इन प्रोसेस में, उन दोनों को प्लस कर लो तो आपके पास टोटल WIP, टोटल वर्क इन प्रोसेस आता है। अब जो टोटल वर्क इन प्रोसेस आता है वो भी दो हिस्सों में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसमें से या तो गुड्स बन के रेडी हो जाएंगी या फिर वर्क इन प्रोसेस के एंडिंग में रह जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई जो रेडी हो गई थी वो तो 60,000 है, वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग क्या कर दो, माइनस ऐड करवा दो, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा 72,000 से। ये बात क्लियर है? 72,000 वाली बात, 72,000 तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास अवेलेबल टोटल WIP मौजूद है उसमें से बिगनिंग वाले पार्ट को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा कि आपने इस दफा कितनी कॉस्ट इनकर करी, ठीक है। इस दफा मटेरियल, लेबर, FOH कितना आपने 72,000 का टोटल WIP आ रहा था। अब जो टोटल WIP है इसके अंदर बिगनिंग वाला पार्ट भी शामिल है और जो आपने इस दफा लगाया वो भी शामिल है, तो भाई बिगनिंग वाले पार्ट को आप माइनस कर दो तो जो रिमेनिंग होगा वो आपकी इस दफा की कॉस्ट होगी, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं या फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो तीन चीजों का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है,
मटेरियल लेबर एफओएच. अब मटेरियल तो है नहीं आपके पास, आपके पास लेबर और एफओएच मौजूद है. मटेरियल कितना यूज हुआ ये बात सवाल में नहीं बताई थी आपको, लेबर और एफओएच बता दिया था ऊपर. तो मैंने कहा भाई लेबर ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, आप लोग अलग अलग लाइन में लिखिएगा, डायरेक्ट लेबर अलग दिखाईगा, एफओएच अलग दिखाईगा. 16,000 का लेबर था और एफओएच कितना था, 160% ऑफ डायरेक्ट लेबर था. मैंने कहा 16,000 को डिवाइड कर दो 160% से, ये हमारे पास आ जाएगा एफओएच की कॉस्ट. तो 16,000 हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, और इसके अलावा जो हमारे पास 10,000 का फिगर आ रहा है वो क्या बोलते हैं, जो 10,000 है उसमें ऐड करेंगे तो 26,000 का फिगर बन जाएगा ये, सही. तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया डायरेक्ट लेबर और एफओएच, तो रिमेनिंग बच गया मटेरियल यूज्ड. ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है, मटेरियल, लेबर, एफओएच. अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मौजूद थी, मैंने कहा भाई डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल यूज्ड. ठीक है, अभी भी हम रॉ मटेरियल यूज पे पहुंचे हैं, सही, इतना मटेरियल इस्तेमाल करा हमने, सही. अब जो हमने मटेरियल यूज निकाला है वो कैसे निकाला है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज जो होता है हमारे पास वो हमारे पास ब्रेक होता है. ठीक है, देखो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज पर पहुंचने के दो रास्ते हैं. अब इस बात को समझ लो कि भाई बिगनिंग रॉ मटेरियल प्लस कर दो नेट मटेरियल परचेज, बिगनिंग रॉ मटेरियल उसमें प्लस कर दो नेट मटेरियल परचेज तो अवेलेबल फॉर सेल आता है, और अवेलेबल फॉर सेल फिर टूट जाता है दो हिस्सों में, या तो वो बच जाता है या फिर इस्तेमाल हो जाता है. जो इस्तेमाल हो जाता है उसको बोलते हैं मटेरियल यूज्ड, और जो एंडिंग में बच जाता है उसको बोलते हैं एंडिंग मटेरियल. अब मटेरियल यूज मेरे पास मौजूद है कि भाई 38,000 का तो मटेरियल आपने इस्तेमाल करा था, एंडिंग मटेरियल भी मौजूद है ऊपर सवाल में 8,600, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा. अब अवेलेबल फॉर यूज है ये कहाँ से आया होगा, बिगनिंग इन्वेंट्री और मटेरियल परचेज से आया होगा. तो अवेलेबल फॉर यूज में से आप क्या करो, लेस कर दो बिगनिंग इन्वेंट्री को, सही, तो आपके पास आ जाएगा क्या, रॉ मटेरियल परचेज. ठीक है, क्लियर ये बात. ये एक तरह से मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसको स्टेटमेंट सही तरीके से समझ आ चुकी है ना उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है. और इसके बाद देखें ये टॉपिक अगर देखा जाए ना, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट का टॉपिक है हमारा का तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं अपने एंड से बात करूं, सही. जी बिल्कुल, डाउन टू टॉप क्वेश्चन है, हम जरूरी नहीं डाउन टू टॉप आए, जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ गया हूँ तो आप इसको सिंपल जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन उसमें हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनते नहीं, हम रटी रटाई बात कर रहे होते हैं, हम मटेरियल यूज़ की तरफ आते हैं, जो नहीं मालूम होता उसकी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, फिर नीचे से सवाल को शुरू करते हैं, जो प्लस हो रहा होता है माइनस करते हैं, माइनस हो रहा होता है प्लस करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बनता, उससे हम रटी रटाई एक स्टेटमेंट होती है पूरा स्केच बना देते हैं और फिर वैल्यू पुट करते रहते हैं. कॉन्सेप्ट होता नहीं है, सिर्फ रटी रटाई चीज़ें होती हैं उसको पुट कर रहे होते हैं. जो इसको रिवर्स हमने सॉल्व ही रिवर्स करा है, देखो यहाँ पर इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, इससे हमें पता लग गया कि भाई अवेलेबल फॉर सेल या अवेलेबल फॉर यूज या टोटल WIP पर पहुंचने के दो रास्ते होते हैं. ठीक है, या तो बिगनिंग प्लस नेट परचेस कर लो, बिगनिंग प्लस नेट परचेस करोगे तब भी अवेलेबल फॉर सेल आता है, एंडिंग और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनको कर लो तब भी अवेलेबल फॉर सेल आता है. ठीक है, तो अवेलेबल फॉर सेल पे पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, सही, चाहे तो ऊपर से आ जाए या नीचे से आ जाए, समझ रहे बात को. तो ये चीज आपको समझ में आ जानी थी, मिसिंग फिगर का कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के क्वेश्चन में मिसिंग फिगर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है. ठीक है, तो इसके सही तरीके से प्रिपरेशन कर लें, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, 20 marks आपके, मैं कहता हूँ यहाँ से इस सवाल से आराम से कवर हो जाते हैं हमारे, तो पेपर का 20% है. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे एंड से टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं आपको पास पेपर के 25 years हैं, 25 years एक टॉपिक के तो नहीं करवा सकता ना, सही. अब हमारी कल की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की जब जितने मैंने क्वेश्चन करवाए, कल मैं टोटल रिव्यू इसका एक मरतबा फिर से दे दूंगा. कल के बाद हमारी क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का टॉपिक नहीं होगा, हम उसके बाद आगे टॉपिक पर चलेंगे, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पर. ठीक है, जो जनरल ट्रीज जिसमें हम बना रहे होते हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, अब आपने करना ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको इससे भी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको नजर आएंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी, सही है. ये सारे लेक्चर सुनने के बाद, देखने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ,
आप जब पास्ट पेपर करने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। इससे ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस पास्ट पेपर से मौजूद है। जैसे मैंने कहा पास्ट सारी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको क्लास में कवर नहीं करवा सकता। अब आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मतलब आप सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मुझसे नंबर आपके पास है, आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर उस वक्त क्लियर कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो आपके क्वेश्चन को देख के उसको जो भी पॉइंट होगा उसको बता दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सही, क्योंकि आप जब तक खुद से पास पेपर के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी सवाल पर। समझना बहुत आसान होता है, समझ में आ जाती है बात, किसी भी स्टूडेंट को समझाओ तो हर कोई, अल्लाह ने दिमाग दिया सबकी समझ में आता है, ठीक है। अब बात ये वो बच्चा मतलब मार्क्स स्कोर कर जाता है जिसके जो प्रैक्टिस कर लेता है टाइम पर, ठीक है। जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग के भाई पेपर का 20% है, 20% है ये क्वेश्चन पेपर का 20% है, आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो 20 अगर सिर्फ आपका आप चारों के पास ही हो जाओ इसके अंदर तो 20% मतलब 50% पासिंग की अगर बात करें तो पासिंग का 50% है ये भाई। और 50% के लिए आपको कम से कम भी पास्ट ईयर के 10-15 क्वेश्चंस तो करने चाहिए ना प्रैक्टिस के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी एक ग्रुप में मैंने देखा था, एक स्टूडेंट ने मैसेज करा हुआ था कि वो पास पेपर के ये बीकॉम आप लोग ज्वाइन करने से पहले सोच लीजिएगा, क्रांच यूनिवर्सिटी वाले पास नहीं करते, ऐसा होता है, यूँ होता है, वो होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रोना गाना सुनाया हुआ था उसने अपनी स्टोरी में, लंबी सी स्टोरी उसने लिखी हुई थी। और 15% रिजल्ट आता है, 18% रिजल्ट आता है भाई। सच्ची बात यह है, प्रॉब्लम ये है कि बीकॉम में स्टूडेंट स्टडीज़ को जिस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, बीकॉम को जिस हिसाब से बीकॉम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी आपको अगर आप पास आउट कर लेते हो, तो उस हिसाब से रिस्पेक्ट हम देते नहीं है, सही है। सारा प्रॉब्लम ये है हमारा, सही। अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, तो पास करना, बीकॉम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना कोई मुश्किल बात नहीं, सही। क्योंकि मैंने जब बीकॉम किया तो उस वक्त मैंने भी इसी तरीके से, और मैंने तो टारगेटेड प्रिपरेशन करी थी। अभी मैंने पार्ट वन में जब पढ़ा रहा था तो मैंने भी वहाँ भी ये बताया था स्टूडेंट को, तो आपने इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि 15% रिजल्ट आता है, 18% रिजल्ट है, हम कैसे पास होंगे, क्या होगा। तो इन सब बातों की तरफ ध्यान भी देना बंद कर दें और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और थोड़ा सा मतलब चीज़ों को याद करने से ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू कर दें, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स भी हम बोलते हैं रट्टा मान लेंगे, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। जो रट्टा मार के इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं ना, पार्ट टू की इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, पार्ट वन की इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ खास करके। पार्ट टू की इकोनॉमिक्स में आप रट्टा मार सकते हैं, पार्ट वन की इकोनॉमिक्स में आप रट्टा नहीं मार सकते, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पास पेपर रुकता है ना, पेपर हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर रुकता है, अकाउंटिंग स्टैट्स वगैरह तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि पूरे साल बच्चा जो प्रिपरेशन करता है अकाउंटिंग की करता है या स्टैट्स की करता है। प्रॉब्लम आता है थ्योरी के पेपर में। अभी आप लोग की मार्कशीट्स आई नहीं है, अल्लाह करे कि आप लोग सबके पेपर्स पास आउट हो गए हो, आप सबके सारे पेपर्स क्लियर हो, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो मोस्टली फेलियर रेशो है वो थ्योरी के सब्जेक्ट का आ रहा होता है, या तो इंग्लिश का आ रहा होता है, या फिर आईटी भी रुक रहा होता है, इकोनॉमिक्स मोस्टली ज़्यादा रुक जाता है। अकाउंटिंग का रेशो पासिंग फेलियर में नहीं होता ज़्यादा, अकाउंटिंग बच्चा पास कर जाता है। पूरे साल वो अकाउंटिंग को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि वो फिर सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ रहा होता है। अकाउंटिंग में 90 मार्क्स आए हैं, पता लगा एक पेपर रुका हुआ है। जी, एडवांस की क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू है, हम इंस्टॉलमेंट सेल्स का टॉपिक जो है वो डिस्कशन में चल रहा है हमारी। फर्स्ट टू डेज मंडे ट्यूसडे हमारे पास जो है क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उसके बाद हम एडवांस अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। और रही बात देखो आईटीबी का जो पेपर है ना, आईटीबी का पेपर तो बिल्कुल इस तरीके से आपको आईटीबी का, आपकी बात मैं बिल्कुल रीड कर ली, मैंने यहाँ पर उसी को डिस्कस करूँ। देखो आईटीबी का एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ना खुद से लिखने आना चाहिए, अगर आप उर्दू में दे रहे हो या इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जब आप प्रिपरेशन करने जाओ, मतलब किसी भी टॉपिक की, इकोनॉमिक्स की या आईटीबी की या इंग्लिश की, तो पहली बात तो ये है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, तो उसको याद करके लिखो। जब तक लिखोगे नहीं सही, और देखोगे आप खुद से कितना मटेरियल लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा होता ये है कि हम प्रिपरेशन करते हैं
और बस उसको अपने दिमाग में बिठा लिया, हेड हेडर्स दिमाग में बिठा लिए सारे हेड, और उसके बाद जो है हम बोलते हैं कि बस हो जाएगा। तो ये बस हो जाएगा वाली बात है ना, इसको छोड़ दें। टॉपिक पूरा उसको रीड करें, 3 से 4 मरतबा रीड करें, और अब आप अपने आप को खुद सेल्फ जजमेंट करें कि आप उसमें कितना मटेरियल लिख सकते हैं, ठीक है, कितना आपने उसको रीड किया। और सारी बात ये, अपने आप को सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड ना करें। अब तो आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, और किसी भी टॉपिक के नोट्स के लिए आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जो टॉपिक, जो इंडिविजुअल टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप वो इंडिविजुअल टॉपिक उठाएं और गूगल पे जाके सर्च कर लें, उससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से नोट मिल जाएंगे, और आराम से आपको जो अपडेटेड चीज़ें हैं ना वो भी पता लग जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि जो 1970s में जो है बुक छपी थी वही बुक आप अभी उठा के पढ़ रहे हैं, और उसी पे जो है उसी को रट्टा मार के वही हेड सारे लगा के आप जो है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही काम कर रहे होते हैं, अमीन खालिद की बुक पढ़ रहे हैं तो अमीन खालिद की बुक सब पढ़ रहे हैं। नो डाउट उन्होंने सही लिखा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत लिख दिया, उन्होंने सही लिखा है बिल्कुल। लेकिन आपको, आपके पास जो नोट्स होने चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए ना आपके पास, आपके पास दिमाग में अल्फाज होने चाहिए, बहुत सारी वोकैबुलरी होनी चाहिए आपके पास। क्योंकि जब आप सॉल्व करने बैठो तो ऐसा नहीं होता कि आप एज इट इज जो आपने बिल्कुल बुक में से याद करा था उसको जाके कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होने वाला, सही। आप जब याद लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आप अटैम्प करते हो तो उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन को अटैम्प करने में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वोकैबुलरी का एक मजमुआ होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास जो करंट हमारे पास सिनेरियोस चल रहे हैं उन चीज़ों की एग्जाम्पल्स भी आपको अपने क्वेश्चन में क्या करनी पड़ेगी, पुट डाउन करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से चेकर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हालात, मतलब हालात अपडेट जो हम कहते हैं ना, हालात अपडेट, फेसबुक पे तो हम रहते ही हर वक्त, तो वहाँ से हालात अपडेट तो हमें मिलती रहती है, सही। तो वहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं। पार्ट टू के थ्योरी के सब्जेक्ट के लिए कौन से नोट्स में हो, ठीक है, पार्ट टू में थ्योरी के सब्जेक्ट्स बुक्स तो आपके पास, इंप्रेशन कैसे करें, ठीक है, सारी जितनी भी प्रिपरेशन आपने जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई पास पेपर के हर, और ये बात तो फिक्स है कि हर चैप्टर में से आप पास पेपर के क्वेश्चन अगर नहीं भी देख रहे, पास पेपर को उठा के रख दें साइड पे, क्रांच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से बीकॉम का पूरा सिलेबस उठाइए, सही। बीकॉम का जैसे सिलेबस उन्होंने लिखा हुआ है ना, उस सिलेबस में से हर टॉपिक के हेडर को गूगल पे जाके सर्च करिए, और एक एक टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल है, पास पेपर बाद में देखिएगा थोड़ा, अगर देखना भी है तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया तो अब मैं चैप्टर 1 के, मैंने मतलब जो मैंने सिलेबस उठाया वेबसाइट से, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए, उसके बाद जाइए पास पेपर पर, पास पेपर में देखिए कि हाँ अब मेरे सारे टॉपिक कवर हैं, ये मुझे आते हैं, फिर यूनिट 2 उठाया, फिर यूनिट 2 की प्रिपरेशन करी। अगर आप सारे चैप्टर्स कवर नहीं भी कर रहे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, तो पूरी बुक में अगर चैप्टर्स मेरे ख्याल से 12-13 होंगे, 14 होंगे, जितने भी हैं, खैर मुझे भी याद नहीं, सही। अगर उसमें से टोटल 6 या 7 चैप्टर्स भी मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, मतलब मुझे मालूम होना चाहिए कि इन चैप्टर में से अगर कोई सवाल बन के आता है तो कहीं नहीं गया, मैं कर लूँगा उसको, तो भाई 5 में से 4 सवाल तो आपके कहीं नहीं गए, मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर रहे ना, 100% प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, तो भाई जो जितना कर रहे हो ना उसको 100% कर लो। फॉर एग्जाम्पल 100% पेपर का आप 80% जो है ना कर रहे हो, आप 80% तैयारी करो, आप 20% मैं नहीं कर रहा, तो 80% की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस एरिया में से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसको कवर कर सको, सही। और नोट्स के लिए मैंने आपको फिर कहा कि भाई देखो नोट्स के लिए आपको ज़्यादा आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक उठाओ, गूगल पे लिखो, सर्च करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, लिखो, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, पेन चलना चाहिए, समझ रहे हो बात। वे 3 घंटे के पेपर में आपका पेन चलेगा, आपको वहाँ पर इधर उधर देखने का टाइम नहीं है, पेन चलना चाहिए। और टू द कोशिश करें हेड्स में लिखें, हेडिंग बना के लिखें, या फिर पॉइंट्स में लिखें, 2 ऑप्शन है आपके पास। लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी, क्योंकि चेकर के पास इतना टाइम नहीं है आपकी लंबी चौड़ी स्टोरीज जो है ना सुनने का। और कोशिश करें कि जो बात वो पूछ रहे हैं ना सवाल में वो बताइए, ऐसा ना हो कि घर से जो हम याद करके आए थे हम तो वो बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल में जो बात वो पूछ रहा है वो बताएं, आप ये नहीं बोलें कि नहीं मैं तो ये याद करके आया था मैं ये लिखूंगा,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम टॉपिक देखते हैं, अच्छा ये पूछा है, टुक 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 लिखना स्टार्ट। तो भाई ऐसा नहीं करें, हमें करना है ये क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस टॉपिक से, उस इंडिविजुअल टॉपिक्स में से भी वो क्या पूछना चाह रहे हैं, आप वो बात बता दें पहले ही, स्टार्टिंग में ही बता दें, ठीक है। उसके बाद सवाल को 20 मार्क्स का करने के लिए आप नीचे अपनी कहानियां करते रहें, ठीक है, जो आपने घर से याद करा था वो भी आप लिखते हैं, लेकिन शुरू के दो तीन लाइनों में या दो तीन हेडिंग्स में वो बात बता दें जो आपको सवाल में पूछी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बात सवाल में पूछी जा रही है उस बात को स्टार्टिंग में ही क्या कर दें, क्लियर कर दें। और फिर जो आप घर से याद करके गए ना, वो जो स्टोरी आप चाह रहे थे लिखना, वो शुरू में नहीं लिखें भाई। सही, मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ताकि इससे जब चेकर आपको कोई भी क्वेश्चन रीड करना शुरू करे तो उसको आइडिया हो जाए कि इसने टू द पॉइंट बात लिखी है, जो पूछा गया वो बात बताना चाह रहा है। सही, तो पेपर क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बीकॉम में फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। बस थोड़ा सा आपने ये होगा कि आपको लिखने आना चाहिए, सही, आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए और आपको खुद से लिखना आना चाहिए। जब तक आप खाली बुक्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे और कहोगे कि जैसा बुक में लिखा हुआ एज इट इज़ में लिख के आ जाऊँ, तो भाई अमीन खालिद की बुक पूरे कराची में सबके पास मिल रही है, और अगर किसी ने नोट्स भी बनाए हुए तो सब ने तकरीबन वहाँ से ही बनाए। सही, तो कोशिश करें, इंटरनेट का यूज़ करें। हाँ कर सकते हैं, आप जो बात पूछ रहे हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आप लोगों को बात पूछनी हो तो पूछना, क्लास हम ऑफ कर रहे हैं, कल की क्लास में हम एक दो नुमाइकल में मैनुफैक्चरिंग के और दिखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा तो सॉल्व करें क्लास में, ठीक है। और इंशाल्लाह बस मेरा प्लान है वीडियो लेक्चर पर जाने का, तो इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर पर भी जाएंगे, और अक्टूबर में तो चले ही जाएंगे, बस सितंबर एंड हो चुका है। दरअसल जैसा स्टूडेंट्स का रिस्पांस, क्लासेस हमारी ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, आप अगर हमारे बीकॉम के जो ऑनलाइन बीकॉम ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा ग्रुप है उसमें शायद आप ऐड नहीं है, आप दूसरे ग्रुप से आए हो, KU बीकॉम वाले ग्रुप से आप लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, तो दरअसल ऑनलाइन बीकॉम ऑनलाइन के ऑनलाइन क्लासेस के नाम से मेरा ग्रुप है, आप चाहें तो वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर मैंने शेड्यूल वगैरह सब बताया हुआ है कौन सी क्लास कब होती है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्योंकि कम रह गया है क्लास में, सही, इसको हम ऑफ करें, वीडियो लेक्चर्स पर जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको और बात क्लियर हो जाएगी। सही, और जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए ये है कि मैं लेक्चर अभी अपलोड कर रहा हूँ तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, सही, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। टाइम हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स रह गए, तकरीबन 5 to 8 मिनट्स रह गए मीटिंग ऑफ होने में। ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? ऑप्शनल में देखें, ऑप्शनल में अक्सर स्टूडेंट्स तो ऑडिटिंग लेते हैं, ऑडिट में क्योंकि टैक्स का क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स 30 मार्क्स का, तो अगर वो क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं तो 40 मार्क्स 30 मार्क्स हमारे वहीं कवर हो गए। उसके अलावा थ्योरी हमें थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, वो करते हैं तो हमारा पेपर क्लियर हो जाता है आसानी से। मोस्टली जो इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वो ऑडिट की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और आपने इंटर कॉमर्स में बैंकिंग पढ़ा है, सही, तो मैं कहूँगा कि आप बैंकिंग की साइड पर ले जाओ, बैंकिंग वाला क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग अटेम्प्ट कर लो। और अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो ऑडिट वाला पेपर कर लो, ऑडिट को जो है सिलेक्ट कर लो, क्योंकि ऑडिट और बैंकिंग ही नॉर्मली स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारे पास ऑप्शंस हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने ही कर रहे होते हैं, ऐसे मार्केटिंग भी है हमारे पास उसमें, और कंप्यूटर का भी पेपर उसको देख रहे होते हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे आप उसमें से देख लें, बैंकिंग देखना चाहते हैं, बैंकिंग आपने इंटर कॉमर्स में पढ़ा है तो वहाँ से बैंकिंग का कर लें, क्योंकि तकरीबन वही सिलेबस है, आपको याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। EDP के लिए आप क्या बोलते हैं, पेटी वाला की बुक है सर अताउल्ला खान की, उसको देख सकते हैं, पेटी वाला पब्लिशर है सर अताउल्ला खान है, उसको देख, ठीक है। तो अब हम
क्लास को क्योंकि ऑफ कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो उनसे यही कहूँगा कि आप लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो भाई वहाँ से देख लेना, क्योंकि पूरी क्लास को दोबारा से रिवाइज करना है लॉ के लिए। देखिए भाई लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट है, सही लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जिस ईडीपी के लिए मैंने बता दिया है, ईडीपी के लिए आप देख लें पीटी वाला की बुक है और उसके पब्लिशर हैं सरतउल्लाह खान, उनकी बुक ले लें। और जहाँ तक रही बात लॉ की, तो बिजनेस लॉ की वैसे तो अगर आप प्रोफेशनल बॉडीज़ की कोई बुक आपको मिल जाती है तो वो ले लें, मतलब ICMA वालों की कोई बुक है बिजनेस लॉ की, और एम सी कुचल के नाम से एक बुक है, ठीक है, ये इंडियन राइटर है कुचल, ठीक है, MC कुचल है, ये कुचल आता है उनके नाम, मुझे इतना पता है, छोटी बुक है वो, अगर ले लें तो बहुत ही आला हो जाएगा, सही लॉ के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें केस स्टडीज भी बहुत सारे दिए हुए और केस के आंसर्स भी दिए हुए हैं, और ये कि आपको रीड करने में मज़ा आएगा पढ़ने में बुक को, सही लॉ के लिए वो बेस्ट हो जाएगा, या फिर पाकिस्तानी राइटर की कोई ले लें, सही, लेकिन बेस्ट ये कि वो इंडियन राइटर है और बहुत अच्छा लिखा हुआ उसने, प्रोफेशनल बॉडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें से प्रिपरेशन करते हैं। लॉ के लिए कुछ चल नाम है उसका, उसका मुझे इसी तरीके से आप अगर स्टेशनरी की शॉप बुक स्टोर पर जाएंगे तो आप उसको कहेंगे कि लॉ की कुचल की बुक दे दें, MC कुचल के नाम से है, ठीक है, जो CA या ICMA के स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। शेख मुबारक अली की बुक नहीं रहे, देखिए शेख मुबारक अली की बुक भी नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना शेख मुबारक अली की बुक से पूरे कराची में सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छी बुक उन्होंने बनाई है, ऐसा नहीं आप उससे भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन वही बात है ग्रेजुएशन लेवल है। देखो जो यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर बेस पेपर हो रहे होते हैं ना, जो यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है बेटा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है और ये सारे ना इंडियन लॉ पाकिस्तान लॉ वो एक ही है, तो इससे कोई इशू नहीं होगा आपको। अच्छा देखो भाई यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना वो लाइब्रेरी भी जा रहे होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी जाके वहाँ से उनके पास डिफरेंट बुक्स के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये होता है भाई कोर्स लिमिटेड होता है, सेमेस्टर में कम पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है जो चेक जो आपसे एग्जाम ले जो आपको क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं वही आपको क्या कर रहे होते हैं पेपर भी ले रहे होते हैं, वही पेपर बना भी रहे होते हैं, लेकिन वो बुक्स रिकमेंड करते हैं और अपने हैंड आउट्स वगैरह दे रहे होते हैं तो उनके पेपर पास हो जाते हैं। तो भाई आपको बीकॉम पास करने के लिए भी डिफरेंट राइटर्स की बुक को पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक को दो तीन जगह से रीड करना पड़ेगा, सही है, जब तक रीडिंग हैबिट नहीं बनाएंगे अपनी, सही, और टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में एक टॉपिक्स को तीन दो कम से कम एटलीस्ट दो बुक्स से तो देखें, और यूट्यूब पे अब तो बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं तो लॉ के भी लेक्चर्स देखें, होंगे कोई टीचर करवा रहे होंगे तो वहाँ से देखिए, अगर हमारा अच्छा मतलब बन जाता है सेटअप तो मैं इंशाल्लाह थ्योरी की लेक्चर की क्लासेस भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा तो वहाँ से देख लीजिएगा। लॉ में कोई डिफरेंस नहीं बेटा इंडियन और उसके पाकिस्तानी, जो हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वो सब, खैर इंडियन का भी अपना नहीं है, वो जो अंग्रेज बना के चले गए थे ना बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, अब वो इंडिया वाले भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। डिवीजन के बाद अंग्रेजों ने जो लॉ बनाया था ना अभी तक वही चल रहा है, इंडिया में भी वही चल रहा है, पाकिस्तान में भी वही चल रहा है, बस फैक्ट्री लॉ की अगर बात करेंगे तो वो अलग है। हाँ वो भी देख सकते हैं F4 की बुक, ACC F4 की बुक अगर है तो वो भी आप देख सकते हैं। सारी बात ये कि आपको उस बुक में उस आपके सिलेबस के टॉपिक मिल जाए, ठीक है, आप बीकॉम का जो लॉ का सिलेबस है वो उठाइए वेबसाइट से, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कोई भी बुक उठाइए उस टॉपिक के रिलेटेड उसमें देखें, ठीक है। अब क्योंकि क्लास का टाइम हमारा ऑफ हो रहा है, मेरे पास सिर्फ एक मिनट बाकी है, मीटिंग ऑटोमेटिकली जो है क्या बोलते हैं ऑफ हो जाएगी, तो बेहतर ये कि मैं उससे पहले खुद ही अल्लाह हाफिज़ कर दूँ, उससे पहले जूम वाले बोले भागो यहाँ से, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर है होगा आप लोगों के पास, हम आपको मुझसे डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो ओके, खुदा हाफिज़, ठीक है।